अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंट्री टेस्ट का आज हम 11वां लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम हाइब्रिडाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे। जो 10वां लेक्चर था उसमें जो मैंने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए थे वो भी हाइब्रिडाइजेशन के थे, लेकिन उन एमसीक्यूज में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज हम उसके मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस जो है वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम दोबारा हाइब्रिडाइजेशन को सीखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, विच मॉलिक्यूल है वो हाई परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और ब्रोन ट्राईफ्लोराइड है, इनमें से किस मॉलिक्यूल्स में एस करेक्टर जो है वो ज्यादा है। तो एस करेक्टर ज्यादा उस वक्त हमें पता चलेगा जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया की क्या हाइब्रिडाइजेशन है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। जब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर लेंगे तो उसके बाद हम ये भी बता सकेंगे कि किस में एस करेक्टर ज्यादा है और किस में एस करेक्टर कम है। तो उस हवाले से यहाँ पर अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये कार्बन है और इसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच हैं। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बांड बना रहे हैं। कोई भी इस वक्त लोन पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका सिग्मा बांड है, यहाँ पर भी इसका सिग्मा बांड है, यानी कि 2 सिग्मा बांड हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है। तो 2+0=2 के बराबर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, क्योंकि उसका स्ट्रीट नंबर 2 है और जिसका स्ट्रीट नंबर 2 होता है तो उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अमोनिया की तरफ आते हैं। अगर अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। अमोनिया के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बांड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर के तौर पर मौजूद होंगे, यानी कि एक लोन पेयर है और 3 इसमें क्या है, सिग्मा बांड है। तो एक लोन पेयर हो गया, 3 सिग्मा बांड हो गया, टोटल हो गया 4। हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्टेज नंबर 4 के हवाले से क्या क्या बनती है, sp3, यानी कि ये sp3 होगा। फिर इसके बाद bf3 की तरफ आते हैं, यानी कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की तरफ आते हैं। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में इसके 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे बांड बना रहे हैं, तो कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो 3 सिग्मा बांड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका 3 आता है आंसर, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 जो कि 3 जिसकी है। अब ये इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन हमने मालूम कर ली है, अब इसमें एस करेक्टर मालूम करते हैं। देखिए, जब एस करेक्टर की परसेंटेज आप मालूम करते हो तो जितने उसमें ऑर्बिटल्स होंगे हंड्रेड्स को आप उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो इस वक्त इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 हैं, 100 को 2 पे डिवाइड कर दे तो 50 आता है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में 50% जो है वो एस करेक्टर है और 50% जो है वो पी करेक्टर है, यानी कि 50-50% है, एस करेक्टर 50% होगा। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 4, आप 100 को 4 पे डिवाइड कर दे, 100 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, तो एस हमारे पास जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा, जबकि जो पी है क्योंकि पी तो 3 है उसके 3 के हिस्से बनेंगे, एस 1 था 25 है लेकिन पी 3 है तो उसके 3 का आपके पास हिस्सा बनेगा, तो वो कितना बन जाता है, 75%। फिर इसी तरीके से नीचे आए तो sp2 हमारे पास है, यानी कि आप 100 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, एक s हो गया, 2 p हो गए, तो 100 को जब 3 पे आप डिवाइड करते हैं तो कोई 33.33 बनता है, तो s बन जाएगा 33.33% और p के क्योंकि 2 हिस्से हैं तो वो 66.66% बन जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन sp थी उसमें एस करेक्टर कितना आ रहा था, 50%, और जो अमोनिया है उसमें एस करेक्टर 25% आ रहा था, और जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है उसमें एस करेक्टर 33% आ रहा था। तो क्वेश्चन ये था कि विच मॉलिक्यूल है वो हाई परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो किस में एस करेक्टर हाई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन है, इसमें जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी हवाले से एक एमसीक्यूज है, व्हिच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास तीन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक C2H2 है, एक C6H6 है, एक C2H6 है। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता करना पड़ेगा कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो तभी हमें कंफर्म होगा। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। कितने कार्बन है यहाँ पर? दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और उनके साथ दो हाइड्रोजन है। एक एक हाइड्रोजन को अगर हम इनमें तकसीम कर देते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। देखें, ये कार्बन इस वक्त सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक डबल बॉन्ड बना रहा है वैसे तो, एक यहाँ से, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो फोर होती है, यानी कि इसको फोर बॉन्ड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड आ जाएगा। तो इस वक्त ये कार्बन फोर बॉन्ड बना रहा है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन बनती है? तो ये जो कार्बन है इस वक्त इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये मौजूद है, जबकि दो ये क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। ये कार्बन की भी यही हालत है, इसकी भी ये। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो इसका स्टेरी नंबर टू आ रहा है। जिसका स्टेरी नंबर टू हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp होती है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और ये मॉलिक्यूल हमारे पास, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और इथाइन भी कहते हैं, yne आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में। अब अगला जो कम मॉलिक्यूल है वो C6H6 है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है? C6H6, ये बेंजीन का है। तो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यू ड्रा होगा। ये हमारे पास आ गया बेंजीन, इसमें होते हैं अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, एक एक हाइड्रोजन भी यहां पे अगर मैं लगा दूं इन तमाम का, क्योंकि तमाम के तमाम कार्बन यहां पर इक्विवेलेंट होते हैं, सबकी सात नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होते हैं। अब ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन इस वक्त चार बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4। अब फोर बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये एक पाई बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। जब तीन सिग्मा एक पाई बना रहा है तो इसका तो स्टीरिक नंबर 3 आ जाएगा। पाई बॉन्ड को तो हम स्टीरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, स्टेरिक नंबर में तो हम लोन पेयर को काउंट करते हैं। लोन पेयर इसका 0 है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जब 3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। यानी कि इसमें जितने भी कार्बन है उन तमाम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो इस लिहाज से हमारे पास इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो ये वाला हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले कंपाउंड को भी अगर मैं बना लूं उसको जल्दी जल्दी, कि उसमें 6 हाइड्रोजन है तो हर कार्बन को तीन तीन हाइड्रोजन मिल जाएंगे। जब तीन तीन हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका स्टेरिक नंबर 404 आ जाएगा। 0 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो फोर्स्ट आपके पास जो हो तो sp3 होता है। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस तरह सेकंड एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज के वीडियो का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, फाइंड करते हैं, और वो कौन सा कंपाउंड है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन डाई इथाइल अमीन। हमारे पास कंपाउंड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है डाई इथाइल अमीन, उसमें हमने नाइट्रोजन की जो है हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डाई इथाइल अमीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यानी कि इसके साथ दो इथाइल लगे हुए हैं। तो इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, एक यहाँ से लग गया और एक यहाँ से लग गया C2H5, एक इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और एक इसके ऊपर क्या होगा? लोन पेयर, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गए और एक लोन पेयर मौजूद है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसमें तीन तो सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें लोन पेयर है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। यानी कि जब 4 आ गया तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिहाज से होगी, तो 4 जिसका स्टेरिक नंबर हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इस कंपाउंड में कुछ एटम्स मौजूद हैं, उनको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि इनमें से जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और नीचे ऑप्शंस में भी आपके पास वो चीजें दी हुई हैं। तो
तो ये एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, जिसमें कार्बोजाइली ग्रुप भी मौजूद है, जिसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, और बेसिकली ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, अगर आपको याद हो तो इसको ग्लाइसिन कहते हैं। अभी ग्लाइसिन में पूछा जा रहा है कि कार्बन 1, कार्बन 2 और नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऐसा सेट जो है वो ठीक आपको हाइब्रिडाइजेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप सबसे पहले हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर लेते हैं, जो कि स्टेरिक नंबर से मालूम करना बहुत ही आसान है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सबसे पहले तो आप ये देखें, तो ये आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे और एक पाई बॉन्ड बना रहे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका मतलब कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा इसमें। जब इसका आपके पास जो स्टेरिक नंबर बन रहा है वो 3 + 0 = 3 बन रहा है, तो जिसका स्टेरिक नंबर 3 हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। इसका मतलब ये हो गया जो कार्बन 1 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp2 होगी। कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब हम कार्बन 2 की तरफ चलते हैं। कार्बन 2 ये है, तो अगर इस कार्बन 2 को देखें तो कोई भी ये पाई बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन जो 2 हमारे पास है उसकी हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 4 आया, तो C2 की हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिहाज से क्या होगी, sp3 हो जाएगी। अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। देखिए नाइट्रोजन यहां से 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहां से अटैच है। अगर इन 2 हाइड्रोजन को भी यहां पर मैं बॉन्ड की फॉर्म में शो करूं तो उनके भी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहां से बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां से बना रहा है, जबकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि लास्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए, वो इज अ लोन पेयर के तौर पर होंगे, इसलिए इसका स्टीरियो नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। 4 जब इसका रिजल्ट आ गया तो 4 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसकी आपके पास है, sp3 की है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। नाइट्रोजन की sp3 है, कार्बन 2 की भी sp3 है, कार्बन 1 की sp2 है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये 3 चीजें मौजूद है। कार्बन 1 sp2 होना चाहिए, कार्बन 1 sp2 है। यहाँ पर अगर आप देखें पहला पहला ऑप्शन जो है कार्बन 1 sp2 है, और कार्बन 2 जो है वो sp3 है, और नाइट्रोजन भी sp3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बन 2 की तरह आपके पास sp2 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा इस MCQs का। तो ये इसका ठीक ऑप्शन होता है। इस तरह ये MCQs कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है उसमें भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ तो उसमें इनऑर्गेनिक भी एक जो है स्पीशी मौजूद है उसको भी हम देखते हैं। तो एमसीक्यूज क्या है, विच स्पीशीज कंटेन एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स, किस इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर जो एटम्स मौजूद है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करते हैं, उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है और इसका ठीक ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो CH3 पॉजिटिव आयन है, यानी कि केटाइन मौजूद है, कार्बो केटाइन है। तो कार्बो केटाइन में इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहे हैं। वैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। इसका मतलब है कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका स्टीरिक नंबर आपके पास 3 + 0 यानी कि 3 आ जाएगा, और जिसका स्टीरिक नंबर 3 हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। तो यहाँ पर इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है सेंट्रल एटम के तौर पर, और कार्बन को भी देख लेते हैं और ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं दोनों को। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर प्लस चार्ज है कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर सॉरी, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है लॉस, 3 बॉन्ड बना रहे, 1 लॉस हो गया, तो 4 तो हो गए, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर अब भी 1 लोन पेयर मौजूद होगा, और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो इसको अगर आप देखें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर है 3। जब स्टेरिक नंबर 3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2।
अब इसकी देखते हैं इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, एक लोन पेयर भी है, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसका भी स्ट्रेन नंबर 3 हो गया। जिसका स्ट्रेन नंबर 3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। अब नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास है H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। वाटर जब एक प्रोटॉन गेन कर लेता है तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीजन इस केस में यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है और प्लस चार्ज भी है। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4 तो हो गए, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है एक इसके पास क्या मौजूद है? लोन पेयर भी मौजूद है। तो टोटल यहां पर अगर आप इसका स्ट्रेन नंबर कैलकुलेट करें तो 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो आंसर क्या आया? 4। तो इसकी जिसकी स्ट्रेन नंबर 4 होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस आयन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और अगर लास्ट वाले को देखने, वैसे हमें आंसर तो मिल चुका है क्योंकि हमने sp3 वाला एटम ढूंढना था और वो ये वाला हमारे पास ऑप्शन ठीक है। अब इसमें को भी हम अगर आप देख लें तो लास्ट वाले की भी हाइब्रिडाइजेशन को इस तरीके से, ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, तो इसका स्ट्रिंग नंबर 3 होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला ही है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। और जो नाइट्रोजन यहां पे मौजूद है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में यूज हो गए, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन, वो एज अ लोन पेयर के तौर पर आ गए। तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास टोटल ही 2 हैं और एक इसके पास लोन पेयर है, तो इसका भी 3 हो गया स्ट्रेन नंबर, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। तो यहां से ये शो हुआ कि ये सारे sp2 थे, ये भी sp2 था, इसमें भी ये सारे के सारा sp2 था, ये भी सारे का सारा sp2 था, तो sp3 कौन था? वो ये था हमारे पास। तो इसका ठीक ऑप्शन जो आता है वो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो हाइड्रोनियम आयन है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ये भी कंप्लीट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब आप हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कुछ ऐसे MCQs जो आप समझते हैं वो मुश्किल हैं वो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ उसको शेयर करूंगा। थैंक्स।